चलो, कोई डाउट होगा तो लास्ट के 5 मिनट हम बोलेंगे, पूछ लेना, एक दो क्वेश्चन बताना, लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, 5-10 मिनट, ठीक है? ठीक है ना? हेलो, हाँ सर, ठीक है। यस सर। ओके, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रहा है? आ रहा है। यस आवाज आ रहा है, बोलो हाँ या नहीं। हाँ, सर, स्टार्ट आ रहा है। करेंगे। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग ये प्रोसेस पढ़े थे ना, इनिशियल रेट मेथड निकालने का। हाँ इनिशियल रेट मेथड के थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे थे, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग कर रहे थे। इसी में एक मेथड होता है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये भी ऑर्डर निकालने का है, ठीक है? हाफ लाइफ मेथड, ठीक है? हाफ लाइफ हम लोग लास्ट क्लास में एक जो डिराइव किए थे हम लोग, थी हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर, क्या आया था बताओ तो? ये वाला चीज आया था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी 1/ नॉट सी नॉट टू पावर ट्वेल्व n-1, ये बताए थे? वाला। ये बताए थे कि नहीं, याद है? तो देखो, हाफ लाइफ जब nth ऑर्डर का हम लोग डिराइव किए थे तो उसमें ये बताया गया था कि nth ऑर्डर का टी हाफ जो होता है, किसी भी ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर जनरल हम लोग ले लिए, तो टी हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ सी नॉट टू पावर n-1। अब यहाँ n क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यस ठीक है? तो जो भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, n का वैल्यू वो पुट करोगे टी हाफ उससे, वैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है तो ये सी नॉट क्या हुआ यहाँ पे? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोग देखे थे कि टी हाफ जो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम लोग चेक भी कर चुके हैं ना फर्स्ट ऑर्डर में। जैसे डिपेंड नहीं करता, उसका फिक्स्ड वैल्यू है। देखे थे ना? अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग रिलेट करेंगे। हेलो यस सर, हेलो यस सर, हेलो। आवाज तो आ रहा है सर। आवाज आ रहा है सर? चलो अब यहाँ देखो, टी हाफ अगर, हाँ, टी हाफ अगर डायरेक्टली टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/ सी नॉट पे पावर n-1, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा के, कुछ मान लेते हैं, और ये 1/ सी नॉट पे पावर n-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ इनटू सी नॉट पे पावर n-1, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना कांस्टेंट? ये वाला वैल्यू हमेशा के के इक्वल होगा, कांस्टेंट, जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मान हाँ लो दो इक्वेशन का हमको टी हाफ गिवन है और उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन है, तो निकाल सकते हैं ना? जैसे मान लो, जैसे हम लोग ये करते थे ना गैस लॉ इक्वेशन में, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट रहता था तो हम लोग क्या लिख लेते थे, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू पी थ्री वी हाँ थ्री लिखते थे ना, उसी तरह यहाँ भी है। तो अगर टी हाफ इंटू इनिशियल कंसेंट्रेशन पे पावर n-1 ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं टी वन और ये सी वन पे पावर n-1 इक्वल टू टी टू टू सी टू पे पावर n-1 और इक्वल टू, ये अप टू सेवन चलता रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, यस सर, लिख सकते हैं। यहाँ टी वन क्या हुआ फर्स्ट टी वन या टी हाफ वाले केस का हाफ लाइफ? हाँ, सर, टी हाफ है फर्स्ट वाले केस का हाफ लाइफ है, और सी वन क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट वाले केस का इनिशियल सेकंड कंसंट्रेशन, और n-1 क्या हुआ सेकेंड वाले केस का हाफ लाइफ, सी टू क्या हो गया सेकेंड वाले केस का इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और n-1, ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है? हेलो, यस सर, क्लियर आवाज है ना? आ। ये हाँ पहले नोट करो इसको, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसको नोट कर लो, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये नोट करके लिखना कि दिस मेथड गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
मतलब पूरे रिएक्शन का हमको ओवरऑल ऑर्डर ही पता चलता है इस मेथड से, मतलब पूरा सम करके ही, इंडिविजुअल ऑर्डर हम लोग नहीं निकाल सकते इससे। जैसे प्रीवियस वाला जो हम लोग देखे थे इनिशियल रेट मेथड, उससे क्या आ रहा था हमारा, उसमें अगर मान लो दो या तीन रिएक्टेंट है तो सभी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग, हाँ सभी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे थे ना। जैसे ए बी और सी तीन रिएक्टेंट था तो ए के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर पता चल रहा था, बी के रेस्पेक्ट में भी और सी के रेस्पेक्ट में, मतलब इंडिविजुअल ऑर्डर वहां पे हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन इस मेथड से हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल ऑर्डर पूरे रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वही हमको पता चलेगा। नोट करके लिख लेना इसको। ठीक है हो गया? हाँ नोट कर लोगे तो बोलना, क्वेश्चन देंगे। हो गया? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? आ रहा है स्क्रीन, दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। हाँ लिखते जाओ साथ साथ। रिडक्शन ऑफ एनओ विद H2 takes place as 2NO plus 2H2 and 2 plus 2H2. You wanna eat? Can you come? I have a question. Call me. लिख रहा हूँ क्वेश्चन ना? यस सर लिख रहे हैं।
चलो करो तो इसको, जो बताया अभी उसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना कि गैसेस का, गैसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ, मतलब पूरे रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया गया है प्रेशर से। ठीक है, गैसेस के केस में हम लोग कंसेंट्रेशन को प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बस वही डिफरेंस है। बाकी बनो, माना क्या किसी से? हेलो, बना रहे हैं सर। बनाओ, जल्दी बनाओ, आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इनिशियल कंसेंट्रेशन को रिप्लेस कर दोगे प्रेशर से, बस हो गया। अरे हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। सर एक सेकंड बना रहे हैं। अभी जो मेथड बताए थे वही अप्लाई करना है ना, सेम सिंपल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या दिया हुआ। यहाँ सारे गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर के टर्म में बात कर रहा है, क्योंकि गैसेस अगर रहेंगे तो हम लोग प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं कंसेंट्रेशन को। तो अभी जो मेथड बताए थे तुम लोग को, कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनओ और एच टू दिया हुआ है। इक्विमोलर मतलब दोनों का एक एक मोल्स लिया गया है, एक एक मोल्स मतलब एक एक मोल्स लें या फिर इक्वल मोल्स लें। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर जो है
इनिशियल टोटल प्रेशर की बात हो रही है तो 350 है, इनिशियल टोटल प्रेशर 350 है, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर भी जो होगा वो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े हो गए ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इंटू पी टी। अब दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन, दोनों का अगर वन वन मोल्स लें तो ए और बी, अगर मान लो ए और बी है तो इसका भी वन मोल लें, इसका भी वन मोल लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए क्या आ जाएगा, एक्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, और एक्स बी भी क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। तो 1/2 इंटू पी टी हो गए तो दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम ही हो जाएगा ना, इक्वल होगा, और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये टोटल प्रेशर के टर्म में हम लोग बात करेंगे, तो इनिशियल टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है 350 mm लिया हुआ है, मतलब पूरे मिक्सचर का, इन दोनों को मिला के इनिशियल टोटल प्रेशर की बात की जा रही है, और बोला जा रहा है कि टोटल प्रेशर जो है हाफ हो जाता है 121 सेकेंड के बाद। मतलब टोटल प्रेशर, अगर मान लो टोटल प्रेशर पी नॉट लिए हैं तो ये पी नॉट बाई टू हो जा रहा है 121 सेकेंड में, ये 121 कुछ नहीं, तो 121 सेकेंड में ये हाफ हो जा रहा है, मतलब 121 सेकेंड क्या दिया हुआ है, टी हाफ का वैल्यू ही दिया हुआ है ना तुमसे। समझ में आया? यस सर। तो फर्स्ट केस में टी हाफ का वैल्यू 121 सेकंड है और इनिशियल प्रेशर उस समय कितना लिए थे हम लोग 350। हाँ, अब दूसरे केस में बोला गया है कि जब इनिशियल प्रेशर हम लोग 275 लिए हैं तो उस समय टी हाफ का वैल्यू कितना है, 196 सेकंड है। तो बस यही पुट करना है, उसके बाद ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालना दिया वाला बता ही थे अभी, टी वन इंटू, यहाँ पे हम लोग पी वन के टर्म में बात करेंगे क्योंकि कंसेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है हमको, प्रेशर के टर्म में दिया है, तो गैस में हम लोग प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो टी वन इंटू पी वन पे पावर एन माइनस वन, दैट विल बी इक्वल टू टी टू इंटू पी टू पे पावर एन माइनस वन। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। तो फर्स्ट केस में टी वन का वैल्यू, टी वन कितना दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, इंटू पी वन कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर फर्स्ट केस में कितना लिए थे हम लोग 350 mm Hg। हाँ 350 है, दोनों mm में ही है तो उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं n माइनस वन। सेकंड केस में t2 कितना है, t हाफ का वैल्यू कितना है 196 और p2 कितना है 275 और इस पे पावर n माइनस वन। तो c को सॉल्व करना है और n का वैल्यू बस निकालना है, ये नहीं निकल रहा है तुम लोगों से, ये क्या आ जाएगा 275 को इधर ले आओ तो 350/275 और इस पर पावर क्या बन जाएगा n हो गया। यस सर। और इसमें देखो तो इसको काटो, ये कितने टाइम्स कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ इसको, तो इसको 25 से कट जाएगा, देख लो। हाँ, तो 25 से ऊपर नीचे काटो, 25 से ये 14 टाइम्स में कटेगा, 25 से 11 टाइम्स में कटेगा, 11 टाइम्स में देखो आ गया, दोनों साइड सेम आ गया अंदर। तो दोनों साइड अगर, तो n माइनस वन को हम लोग किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 2 के इक्वल, 2 के इक्वल, n का वैल्यू क्या आ गया 3। n यहाँ पे क्या बताता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गया। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर पता नहीं कर सकते हैं इस मेथड में, पहले नहीं होगा, ओवरऑल ऑर्डर इन्वॉल्व है, लेकिन हमको ओवरऑल ऑर्डर ही पता चला है, इंडिविजुअल ऑर्डर हमको पता नहीं चल पाएगा इसमें, नहीं चला। इंडिविजुअल ऑर्डर निकालने के लिए वो इनिशियल रेट मेथड है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल ऑर्डर तुमसे पूछा जाएगा तो वो तुमको डेटा दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं, इस मेथड से ओवरऑल ऑर्डर ही निकलेगा। गॉट इट, कोई डाउट इसमें? नो सर। देख लो किसी को, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ेंगे।
हो गया, लिख लिया ना? हेलो लिख लिए तो बोलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट में। सर नोट करना हो गया है? हो गया ना सबका? हाँ यस सर। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वही ऑर्डर ही निकालना है हमको, एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट इसमें है मॉनिटरिंग द नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे कैसे बढ़ रहा है उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करके हमको रिएक्शन के बारे में एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है? ये हेडिंग डालो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। टू एन एच थ्री गैस या अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है एन टू गैस प्लस, ठीक है? ये हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस का जस्ट उल्टा है, रिवर्स। और यहाँ पे गिवन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तुमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कौन सा काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। तो के के लिए हमको मतलब रेट कांस्टेंट के के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमको, ठीक है? और यहाँ पे डेटा देखो क्या दिया हुआ है, टाइम और प्रेशर, टाइम और टोटल प्रेशर, टाइम और टोटल प्रेशर का दिया हुआ है। टाइम जीरो है तो टोटल प्रेशर पी नॉट है, टाइम टी वन है तो टोटल प्रेशर पी वन है, टी टू है तो पी टू है, टी थ्री पे टोटल प्रेशर पी थ्री है, इसी तरह टी पे टोटल प्रेशर पी इनफिनिटी, ठीक है? ये डेटा हमको गिवन है, ले जाओ इसमें। हो गया, आगे बढ़े। हेलो यस सर। सर पे आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, यस सर। ये आपका आवाज है सर? का आवाज कहाँ आ रहा है? हेलो, बर्तन का आवाज आ रहा है खाली। आदित्य गौतम सर, आदित्य गौतम सर, गौतम सर ही है क्या? गौतम सर, गौतम
अरे जीओसी का क्लास कब है भाई, कोई बतला ना डेट बढ़िया से। अरे भाई ट्वेल्थ रांची का तुम देखना ना, जो रूटीन में रहता है वही दिन में हम लोग कभी रहता है। अबे एक रूटीन है, रूटीन दिखता है रूटीन कभी कभी करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ चल रहा है। और बताओ अमृत, आशुतोष क्या हाल है? यार यार सर कहाँ चल गए? अबे सर को पढ़ाने का मन नहीं है आज। सर तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आदित्य गौतम होस्ट है, बोलो कुछ पढ़ाने के लिए। गौतम कुछ पढ़ाओ। चुपचाप है क्या काम का भी? हमको होस्ट बनाओ, हम बताम पढ़ाते हैं। कुछ तो पढ़ा दो कुछ। आशुतोष प्रोफाइल पिक्चर तो बहुत बढ़िया लगाया है। अबे कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? हम लोग तो शराब गायब हो गए थे। नहीं आप गायब हो गए, आप ही गायब हो गए। हम गायब हो रहा। यस सर, यस सर। उनका आवाज ही नहीं आता है। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन लिख लिए थे? यस सर लिख लिए थे। लिख लिए इतना नोट कर लिया हो ना? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो कंसंट्रेशन के टर्म, यहाँ पे देखो ये टाइम वर्सेस टोटल प्रेशर का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब डेटा दिया हुआ है टाइम वर्सेस टोटल प्रेशर। तो देखो टोटल प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे पी नॉट पी वन पी टू, यहाँ पे देखो टाइम के साथ साथ क्या होते जाएगा, ये सारे गैसेस इन्वॉल्व है तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट कम होते जाएगा धीरे धीरे और प्रोडक्ट क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा, होगा ना? हाँ। तो अगर ये टोटल प्रेशर जो यहाँ पे है इनिशियली पी नॉट, देखो पी नॉट जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ अमोनिया गैस की वजह से होगा, सिर्फ अमोनिया गैस का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। लेकिन जैसे ही पी वन हो गया तब अमोनिया गैस कुछ तो कन्वर्ट हो गया होगा एन टू और एच टू में, हुआ होगा ना? हाँ। तो अब पी वन जो टोटल प्रेशर है उसमें तो अमोनिया गैस का भी कंट्रीब्यूशन हो गया, नाइट्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन होगा और हाइड्रोजन का भी होगा, होगा ना? यस सर। उसी तरह P2 में भी तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, P3 में भी तीनों का होगा और लास्ट में जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा P इनफिनिटी में भी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताए थे, कभी भी 100% कंप्लीट, कभी भी 100% कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है तो पी इन्फिनिटी में भी सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये टोटल प्रेशर है, यहाँ ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रेशर जो है रिएक्टेंट का नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग ये जो K लिखते हैं रेट कांस्टेंट या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिखते थे बताओ तो? उसमें कंसंट्रेशन जो आता था वो किसका आता था? सिर्फ रिएक्टेंट का ही आता था ना, प्रोडक्ट का आता था क्या? नहीं। जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग जैसे लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, मान लो कोई सी फॉर्म कर रहा है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखते थे? आर एस इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर कुछ और इंटू बी पे पावर कुछ वाई। तो इसमें जो कंसेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ किसका ले रहे हैं? रिएक्टेंट का ही ले रहे हैं। प्रोडक्ट का लेते हैं क्या? प्रोडक्ट का ले रहे हैं? बोलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ। इसमें प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन आता है क्या? नहीं आता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे रेस टू पावर कुछ वैल्यू, रेस टू पावर एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर मान लो कंसेंट्रेशन हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट का ले रहे हैं तो अगर इसको हम लोग मान लो गैसेस में पार्शियल प्रेशर से अगर रिप्लेस करें तो प्रेशर भी हमको किसका लेना होगा? सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेना होगा, समझ में आया? इसको अगर हम लोग कंसेंट्रेशन को अगर प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग तो हमको प्रेशर भी किसका लेना होगा? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेना होगा। प्रोडक्ट का लेंगे क्या?
नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टोटल प्रेशर का डेटा हमको गिवन है, इसमें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर मिला हुआ है ना, P1, P2, P3 में प्रेशर क्या हुआ है, टोटल प्रेशर है। हाँ, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका प्रेशर मिला हुआ है, तो उसमें हमको सॉर्ट आउट करना होगा सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, उसके बाद हम लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है हमको, तो एक बार देखो यहाँ पे जो डेटा हमको गिवन है वो टोटल प्रेशर का डेटा गिवन है, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग जो कंसेंट्रेशन वाला चीज देख रहे थे, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम रिएक्शन फिर से, 2NH3 गैस ये बना रहा है N2 गैस और प्लस 3H2 गैस, ठीक है, यही है रिएक्शन। कंसेंट्रेशन हम लोग इनिशियली अगर मान लेते हैं इसका कंसेंट्रेशन A, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन T इक्वल टू जीरो पे क्या मान लिया हम लोग, A अज्यूम कर लिए इसका, ये अभी कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, C नॉट, C नॉट का वैल्यू हम लोग A मान रहे हैं, C नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन। N2 और H2 का क्या होगा, जीरो जीरो होगा, हेलो, हाँ सर जीरो जीरो ही होगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका X अमाउंट रिएक्ट किया होगा, NH3 का टाइम T इक्वल टू T पे X अमाउंट कुछ रिएक्ट किया होगा, तो X अमाउंट कुछ रिएक्ट किया होगा तो इसका बचेगा कितना, A-2X, A-X बचेगा या फिर 2X, क्या चीज सर, बोले A-2X बचेगा या फिर A-X। हम इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, x डिसोसिएट कर गया तो इसका खत्म कितना होगा, x खत्म होगा, हम ये माने हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x माने हैं, DOD x माने हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में x खत्म हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, यस सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे तुम लोग कि 1 मोल में x खत्म हो रहा है, यहाँ पे NH3 का कितना मोल है, NH3 का 2 मोल है, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना खत्म होगा, 2x खत्म होगा, 2x, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे x मान लिए हम लोग, तो ये बचेगा कितना, अगर 2x खत्म हो गया इनिशियली a लिए थे तो बचेगा कितना, A-2x बचा हुआ रहेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग CT फाइनल कंसेंट्रेशन। N2 कितना फॉर्म होगा बताओ, X फॉर्म होगा, X फॉर्म होगा, क्योंकि 2 से 1 फॉर्म होता है, तो ये 2X से कितना फॉर्म होगा, X फॉर्म होगा। H2 कितना फॉर्म होगा, H2 3X फॉर्म होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर X है तो 1 मोल में ये X खत्म हो रहा है, तो उसी तरह ये 1 मोल में X फॉर्म भी तो होगा ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल्स दिया हुआ है, 3 मोल, तो 3 मोल में कितना फॉर्म होगा, वो 3x फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है, हाँ। अरे ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ये पढ़े होगे तुम लोग वहां पे कैसे लिखते हैं, समझ गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो सर। चलो अब यहाँ पे जैसे देखो हम लोग के का वैल्यू अगर लिखे, कंसेंट्रेशन के टर्म में क्या लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, K=1T ln C0 by CT, याद है इंटरवल फॉर्मूला जो बताया था फर्स्ट ऑर्डर का, K=1T ln C0 by CT था ये, तब इसको अगर हम लोग लिखें K=1T ln C0 के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, C0 का वैल्यू क्या है, A है, और CT का वैल्यू क्या है, A-2x, तो यही हो गया K का वैल्यू, लेकिन अभी K का वैल्यू जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं वो किसके टर्म में किए हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन के टर्म में किए हैं, ये जो K का वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K का जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये किस टर्म में निकाला गया है, कंसेंट्रेशन के टर्म में, लेकिन हमको यहाँ पे डेटा किसका दिया हुआ है, प्रेशर का दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन का डेटा दिया हुआ है क्या, नहीं, प्रेशर का डेटा दिया हुआ है, हमको कंसेंट्रेशन को किस में कन्वर्ट करना होगा, कंसेंट्रेशन को प्रेशर में चेंज करना होगा,
प्रेशर से रिलेट करना होगा, तो प्रेशर से देखो कैसे रिलेट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक नोट कर लिया हो सब लोग? नहीं कि एक मिनट से रुकिए। हाँ करो जल्दी। चलो आगे बढ़े ना। यस सर। अब देखो एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, P इक्वल टू सी आर टी पढ़े हो। ये सॉल्यूशन में भी बताया गया होगा, प्रेशर इक्वल टू सी आर टी पढ़े हो या नहीं, बताओ जल्दी। हेलो हेलो। यस सर। अरे ये फॉर्मूला पढ़े हो, P इक्वल टू सी आर टी? यस सर पढ़े हैं। पढ़े हैं सर। हाँ देखो ये तो उसी से आया ना, P इक्वल टू गैस लॉ इक्वेशन से आया, P इक्वल टू nRT है। yes. तो V को उधर भेज देते हैं तो n बाय vRT हो जाएगा, और n बाय vRT क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम लोग मोलैरिटी से रिप्लेस करते हैं। मोलैरिटी का यही फॉर्मूला तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको हम लोग मोलैरिटी, मोलैरिटी एक्चुअली है क्या, कंसंट्रेशन ही होता है ना सॉल्यूशन के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो। तो P इक्वल टू इसी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं CRT से। तो वही फॉर्मूला को यूज करना है हमको। अगर मान लो R तो कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर ये कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, तो अगर R का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही रिएक्ट होता है। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट ही रहता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग एट टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग देखे थे, देखो टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना था बताओ तो? ए था। yes. और टी इक्वल टू जीरो पे टोटल प्रेशर कितना है? टी इक्वल टू जीरो पे वो डेटा दिया हुआ है ना तुमको ऊपर, तो देखो टाइम जब जीरो है तो उस समय टोटल प्रेशर कितना है? P नॉट है। और T इक्वल टू जीरो पे कंसेंट्रेशन कितना है? कंसेंट्रेशन टोटल कंसेंट्रेशन कितना है T इक्वल टू जीरो पे? सिर्फ A ही है इधर तो, इन दोनों का कंसेंट्रेशन तो जीरो हो गया। A प्लस जीरो करोगे तो A ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग T इक्वल टू जीरो पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो T इक्वल टू जीरो पे प्रेशर था हमारा P नॉट, और T इक्वल टू जीरो पे कंसेंट्रेशन था A, तो P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं, चलो। अब इसी तरह T इक्वल टू T पे लिखना है हमको, कोई टाइम T पे, कोई टाइम T पे अगर हमको लिखना है तो कोई टाइम T पे हम लोग मान लेते हैं कि प्रेशर है PT। कितना है प्रेशर? PT। तो उस समय कंसेंट्रेशन कितना है बताओ तो, एट टाइम T इक्वल टू T पे टोटल कंसेंट्रेशन कितना है बताओ? A माइनस 2x। टोटल कंसेंट्रेशन पूछ रहा है ना, टोटल सारे का मिला के। प्रेशर यहाँ पे हम लोग टोटल ले रहे हैं तो कंसेंट्रेशन भी क्या लेना होगा? टोटल कंसेंट्रेशन लेना होगा। तो T इक्वल टू T पे सिर्फ रिएक्टेंट थोड़ी ना है, प्रोडक्ट भी तो फॉर्म हो गया ना कुछ। हाँ सर। तो प्रोडक्ट की वजह से भी तो कंसेंट्रेशन आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर में रिएक्टेंट का भी प्रेशर आ रहा है और प्रोडक्ट का भी प्रेशर आ रहा है।
तो प्रेशर या प्रेशर जो होगा अगर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग अगर प्रेशर टोटल ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन भी क्या लेना होगा हमको टोटल लेना होगा टोटल लेना होगा तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ a माइनस टू एक्स प्लस एक्स और प्लस थ्री एक्स तो ये प्लस टू एक्स तो ये कितना हो गया फाइनली सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस टू एक्स ये आ गया सेकंड इक्वेशन ठीक है समझ में आया yes. यहाँ तक कोई डाउट नो सर चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमको ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये जो कंसेंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेशन आया था ना के इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए बाय ए माइनस टू एक्स अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन के टर्म में ये ए बाय ए माइनस टू एक्स क्या है कंसेंट्रेशन का टर्म है हमको इसी टर्म को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है प्रेशर के टर्म में ट्रांसफॉर्म करना है ठीक है समझ में आ रहा है इसको हमको प्रेशर के टर्म में रिलेट करना है प्रेशर के इक्विवेलेंट हमको प्रूव करना है तभी इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको कंसेंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ है हमको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे कि इसका वैल्यू जो है प्रेशर के टर्म में कितना इक्वेट होता है और तब फिर हम उसको रिप्लेस कर पाएंगे तब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन आ गया है हमको एक क्या आया पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और दूसरा क्या आया पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस टू एक्स यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो सर नो सर चल अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन टू में इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं टू माइनस वन तो टू माइनस वन करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है pt माइनस पी नॉट इधर आ गया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस टू एक्स और इसमें माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा टू में वन को घटा रहे हैं क्या बचेगा बताओ फाइनली क्या बचेगा यही बचेगा pt माइनस पी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एक्स a और a तो कैंसिल आउट हो गया Yes. ये इक्वेशन थ्री मान लेते हैं हम लोग इसको क्या मान लिया इसको इक्वेशन थ्री मान लिए अब देखो ये वाले एक्सप्रेशन को हमको लाना है a बाय a माइनस टू एक्स इसको हमको प्रेशर के टर्म में लाना है तो प्रेशर के टर्म में कितना आ रहा है तो a का तो हमको आ गया है कि प्रेशर के टर्म में वो पी नॉट आता है a को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर वाले टर्म पी नॉट से अब 2x का भी हमको आ चुका है कि 2x का हम लोग रिप्लेसमेंट क्या है pt माइनस p नॉट है लेकिन हमको ये पूरा टर्म चाहिए a माइनस 2x तो ये कैसे आएगा बताओ किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा वाला टर्म तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है 1 2 और 3 इन तीनों को यूज करके तुमको a माइनस 2x को प्रेशर के टर्म में लाना है बताओ तो कौन कौन सा यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन वन में अगर हम लोग इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा क्या अच्छा देखो इक्वेशन वन में इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको a माइनस टू एक्स चाहिए तो यहाँ पे a आ रहा है और यहाँ पे टू एक्स है a माइनस टू एक्स कब आएगा जब वन में हम लोग थ्री को घटाएंगे तो वन में देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वन में पी नॉट है और राइट हैंड साइड ये इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस पी टी माइनस पी नॉट और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ गया उधर ए है और इधर टू एक्स ए माइनस टू एक्स देखो यहां तक कोई डाउट है किसी को नो सर चलो अब ये इसको फाइनलाइज करो क्या आ रहा है तो पी टी यहाँ पे करोगे माइनस पी नॉट तो टू टाइम्स पी नॉट हो जाएगा और माइनस पीटी टू टाइम्स पी नॉट माइनस पीटी और इधर क्या बच गया ए माइनस टू एक्स बच गया हेलो हेलो देखो ये आ गया ना टू टाइम्स पी नॉट माइनस पीटी ये किसके इक्वल आ गया A-2x. तो ये इक्वेशन हम लोग फोर मान लेते हैं
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग कंसेंट्रेशन वाला टर्म को रिप्लेस कर रहे थे प्रेशर वाले टर्म से, तो अब सारा चीज आ गया। देखो हमको रिप्लेस किसको करना था, a बाय a माइनस टू एक्स को रिप्लेस करना था, किससे, प्रेशर वाले टर्म से। तब ये a बाय a माइनस टू एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बताओ, a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, a जो होगा प्रेशर में किसके कोरस्पॉन्डिंग था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, p नॉट के, इसको हम लोग लिख सकते हैं p नॉट। और उसी तरह a माइनस टू एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, a माइनस टू एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया प्रेशर के टर्म में बताओ, p नॉट माइनस टू p नॉट माइनस pt। हाँ तो 2p नॉट माइनस pt pt। तो अब ये देखो ये कंसेंट्रेशन वाला टर्म था, इसी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, ये प्रेशर वाले टर्म, प्रेशर वाले टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तब k का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, तो k का एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन के टर्म में क्या था, 1 by t ln a by a minus 2x था। अब इसी को जब प्रेशर से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो k equal to 1 by t ln p नॉट बाय 2p नॉट माइनस pt। तो यही हमारा एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना था, कंसेंट्रेशन को रिलेट करना था हमको प्रेशर से, क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन के टर्म में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर इस क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर तो क्लियर होगा। अभी इसको पहले नोट करो, एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। नोट कर लोगे तो बताना हमको, तो फिर क्वेश्चन देंगे। हो गया क्या, हेलो हो गया, लिख लिए तुम लोग सब, लिख लिए सब लोग, सबका हो जाएगा तो बोलना, एक क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर। ये भी एक्चुअली क्वेश्चन ही है, ऐसे एक्सप्रेशन के टर्म में तुमको लिखना है। दे क्वेश्चन बताओ, दीजिए सर। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते जाना साथ में, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन, और ये रिएक्शन दिया हुआ है तुमको, ए इज इक्वल टू 2b plus c, the initial pressure
was PI. Initial pressure PI दिया हुआ है, while total pressure after time T was PT. Then write the derive the expression. Derive the expression for the rate constant K in terms of PI PT and T. चलो वही चीज है, सेम टाइप का क्वेश्चन है तुमको, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, के का एक्सप्रेशन डिराइव करना है पीआई पीटी और टी के टर्म में, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में डिराइव किए थे उसी तरह इसमें करना है, सेम जैसे वो स्टेप बाय स्टेप किया उसी तरह इसमें भी फॉलो करो, आराम से आ जाएगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है जैसे जैसे किए थे वैसे ही करना है तुमको, पहले कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख लो फिर उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रेशर के टर्म में, समझ में आया ना? हेलो हेलो यस सर। हाँ ये बता दे रहे हैं, पहले कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे ठीक है, कंसेंट्रेशन के टर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे किस फॉर्म में, प्रेशर के टर्म में ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे, एक बार ट्राई करो इसको प्रैक्टिस कर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन रहेगा ही इस टाइप का, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, करके देखो कितना आ रहा है। हो गया क्या सर? इसमें तो पी नॉट बाय पीटी आ जाएगा, पी नॉट बाय पीटी, पी नॉट बाय पीटी, सिर्फ पी नॉट बाय पीटी आ रहा है और कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। एक्सप्रेशन होगा k इक्वल टू 1 बाय t ln p नॉट बाय pt। ना ना फिर से चेक करो एक बार, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करो एकदम सेम।
देखो एक बार देखो कंसेंट्रेशन के टर्म में क्या आया हमारा, पहले कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख लो रिएक्शन है क्या बनेगा क्या, और टाइम देना है या बताएं? हेलो बना रहे हैं यहाँ पर देखो a इक्वल टू टू बी प्लस सी है, कंसेंट्रेशन के टर्म में हम पहले देख रहे हैं, इनिशियली अपने मन से कुछ कंसेंट्रेशन मान लेते हैं, इसका a है ये जीरो जीरो होगा, ठीक है होगा ना, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये इनिशियल कंसेंट्रेशन सी नॉट है इसका, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू t पे सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मान लो x इसका रिएक्ट करेगा a माइनस x, तो ये b कितना फॉर्म करेगा 2x फॉर्म करेगा, और c कितना फॉर्म करेगा x फॉर्म करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब कंसेंट्रेशन के टर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे तो k इक्वल टू 1 बाई टी ln c नॉट बाई सी टी आता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई टी ln c नॉट की जगह पे a पुट कर दिया और c t की जगह पे a माइनस x पुट कर दिया, तो हमको यहाँ पे ये a बाय a माइनस x को ही ट्रांसफॉर्म करना है प्रेशर के टर्म में। तब देखो इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे प्रेशर कितना दिया हुआ है हमारा, पी आई दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर पी आई है, तो पी आई तो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होगा क्योंकि उस समय कंसेंट्रेशन सिर्फ a है, वही है ना, इनिशियल प्रेशर जो होगा वो सिर्फ a की वजह से आ रहा होगा और इनिशियल कंसेंट्रेशन भी a की वजह से है, तो ये इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग, ये तो a का आ गया। अब t इक्वल टू a माइनस x कैसे आया, ct का वैल्यू क्या है, a माइनस x ही है ना, अगर x मान लेते हैं इसका रिएक्ट करेगा तो बचेगा ये कितना, ct मतलब क्या हुआ कितना बचा हुआ है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, वही लेते हैं ना हम लोग, ठीक है सर, ठीक है कोई डाउट? अब यहाँ देखो, अब t इक्वल टू t पे पूछा गया, तो t इक्वल टू t पे मान लेते हैं प्रेशर अगर pt है तो उस समय कंसेंट्रेशन कितना है, तो टोटल कंसेंट्रेशन सभी का ऐड करना होगा ना मेरे को, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। हेलो यस सर आ रहा है। हाँ तो टोटल प्रेशर जो pt आएगा तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ct के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। अब ct यहाँ पे क्या है, टोटल हमको कंसेंट्रेशन लेना होगा, तो टोटल कंसेंट्रेशन सभी का ऐड करना होगा, तो सभी का ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स और प्लस x, ये कितना बच जाएगा बताओ, तो pt will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कितना आ जाएगा, a प्लस टू एक्स, ए प्लस टू एक्स आ गया। चलो ये इक्वेशन टू आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो हमको चाहिए क्या क्या, a बाय a माइनस x चाहिए, तब इन्हीं दोनों इक्वेशन को तुम कैसे मैनिपुलेट करोगे ताकि हमारा a प्लस ये आ जाए, कैसे करना होगा वो तुमको खुद से मैनिपुलेट करके देखना होगा। अब कैसे इस फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन यूज करके, तो देखो a वाला तो एक्सप्रेशन आ ही गया, a की जगह पे हम लोग pi रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन a माइनस एक्स वाला टर्म कैसे लाएंगे हम लोग, a माइनस एक्स वाला टर्म को लाने के लिए क्या करना होगा बताओ, तो माइनस थ्री एक्स करना होगा कहीं से, माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स कर दे किसको, तभी तो सर ए माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा, ए माइनस एक्स तुमको लाना है, ए माइनस एक्स, अब तुम सोचो कैसे कर सकते हैं हम लोग, बस इसमें तुमको वही मैनिपुलेट ही करना है, कैसे मैनिपुलेट करके हम लोग a माइनस x के टर्म में ला सकते हैं, आ रहा है कुछ समझ में?
कैसे होगा? पहले x का निकाल लो, x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखो तो। हेलो यस सर, देखो यहाँ पे अगर सिर्फ x का निकाल रहे हैं हम लोग, x का निकालोगे तो क्या आ जाएगा देखो तो। हम लोग अगर a a को कैंसिल कर देते हैं तो a कैंसिल किस में होगा, वन और टू में। वन और टू को सब्ट्रैक्ट करो या टू टू माइनस वन करो। टू माइनस वन करोगे तो क्या आएगा बताना। टू माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे आ गया पी टी माइनस पी आई, इस साइड बचेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, ए प्लस टू एक्स माइनस ए, यही आएगा। तो ये क्या बच गया, पी टी माइनस पी आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एक्स हो गया। हो गया ये हुआ, यहाँ तक कोई डाउट? ये लेकिन 2x आया है, 2x तो हमको चाहिए नहीं वहां एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में क्या चाहिए हमको, x चाहिए। x निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये pt - pi / 2 यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग, होगा? यस सर, ये कर सकते। चलो तो अब ये आ गया इक्वेशन 3। अब तो आसानी से हम लोग a माइनस एक्स निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर देंगे। वन में थ्री अगर माइनस कर दे तो a माइनस एक्स मिल जाएगा हमको। वन और थ्री को देख लो, वन और थ्री को अगर माइनस करे तो a माइनस एक्स वाला टर्म मिल जाएगा हमको। हाँ तो करो, तो वन में थ्री, वन माइनस थ्री कर देते हैं हम लोग। तो वन माइनस थ्री करोगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, वन में है पी आई, तो पी आई और इधर माइनस पी टी माइनस पी आई बाई टू, और इस साइड क्या बच गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। अब देखो इसको सिंपलीफाई करके देखो क्या आ रहा है, ये पूरा है टू पी आई आ गया और माइनस इनटू माइनस प्लस, तो ये थ्री पी आई आ जाएगा माइनस पी टी और बाई टू विल बी ए माइनस एक्स। देखो यही आया, देख लो। तब यहाँ पे देखो हमको रिप्लेस किसको करना था, a बाय a माइनस एक्स को रिप्लेस करना था। तो a के जगह पे तो हम लोग पी आई और a माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे, a माइनस एक्स के जगह पे थ्री पी आई माइनस पी नॉट, मतलब थ्री पी आई माइनस पी टी वाला टर्म। हाँ थ्री पी आई माइनस माइनस पी टी और बाई टू है तो बाई टू ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर चला गया तो 2pi बच गया। तब देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या आ गया, a by a minus x का रिप्लेसमेंट क्या आ गया, 2pi by 3pi minus pi minus pt आ गया ऐसे टर्म में। तब इसको हम लोग k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k equal to 1 by t ln ये a by a minus x था, तो इस टर्म में तो हमको ये वैल्यू a और a minus x का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं था, हमको pi और pt के टर्म में पुट करना था। तो क्या आ जाएगा, k equal to 1 by 2 ln 2 pi by 3 pi minus pt, ये आ गया एक्सप्रेशन में, ये डिराइव करना था। देख लो किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सबसे पहले वही करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है बुकलेट में, तीन चार क्वेश्चन और एक आएगा ही, तो इसमें पहले कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लोगे, ठीक है? एक्सप्रेशन जो है हम लोग के का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लेंगे, फिर उसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आया ना समझ में? बुकलेट है क्या सबके पास? हेलो है, तो उसमें बुकलेट में देखो तो ये एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चंस मिलेगा दो तीन, एक देखो तो। एक्चुअली मेरे पास है नहीं बुकलेट, एक्सप्रेशन वाला टर्म वाला तीन चार क्वेश्चन है एक ही जगह दिया हुआ, पर पीछे जाओ
मिला क्या देखते हैं सर एक मिनट शायद एम्स वाले एक्सरसाइज में जाओ उसमें प्रीवियस ईयर या फिर उससे पहले वाला एम्स वाला एक्सरसाइज है एम्स का एक्सरसाइज दिया हुआ है ना उसमें इसमें सर एम्स का एक्सरसाइज नहीं है नहीं है एक तो नीट एम्स दोनों एक ही में हाँ उसी में है हाँ उसमें देखो इस टाइप के एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें तुमको कन्वर्ट करना है प्रेशर वाले मिला अरे यार क्या तुम लोग क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहे हो है मेरे पास है नहीं बुकलेट लास्ट क्वेश्चन नंबर 107 में और भी होगा तीन चार क्वेश्चन होगा जहाँ पे इस टाइप का एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन होगा ऑप्शंस देख के तुमको आइडिया लग जाएगा ठीक है तीन चार क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई कर लेना समझ में आया इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा सॉल्व तो तीन चार क्वेश्चन इस टाइप के बना लेना एक वैसा हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन ठीक है ये हो गया ना ये क्लियर है ना सबको कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें नोट कर लियो सब लोग इसको हाँ सभी लोग चलो एक मैं होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ उसके बाद बुकलेट से देख लेना तुम लोग तीन चार क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन है लिखो द डिकम्पोजिशन ऑफ लिखते जाना साथ में ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस ये डेटा के टर्म में है एक्सप्रेशन के टर्म में नहीं है तुमको डेटा यूज करना है टू यील्ड गैसियस प्रोडक्ट इक्वेशन दिया हुआ है ए गैस से टू बी गैस प्लस सी गैस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स If the total pressure at the start of an experiment and 9 minutes after the start of the reaction are 100 mm and 150 mm Hg. Respectively. What is the rate constant? ठीक है रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तुमको वैल्यू निकालना है इसमें एक्सप्रेशन आंसर चार ऑप्शन है 0.06804 ठीक है हेलो अरे नोट कर लिए यस सर कर लिए हो गया इसको करना है ये क्वेश्चन एक और
रुको एक्सप्रेशन वाला कहीं मिलता है तुम बुकलेट में मिला कि नहीं तुम लोगों को क्वेश्चन देखना एक्सप्रेशन बाकी देख लेंगे हां उसमें ढूंढ लेना क्वेश्चंस यस एक ये क्वेश्चन करोगे एक रुको देखने दो और भी मिलता है तो दे दो लिख लिया हो क्वेश्चन ये वाला यस सर लिखे हैं चलो फिर ठीक है बुकलेट से ढूंढ के तुम लोग तीन चार क्वेश्चन दिया हुआ है वो बुकलेट में तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और ये बना के रखना नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलो फिर हो ही गया चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कोई डाउट नहीं है ना आज के क्लास में नो सर फिर इसको ऑप्शन टू है क्या अच्छा पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिए सेम ही एक्सप्रेशन आएगा हाँ सर ऑप्शन रुको चेक करने दो एक मिनट हाँ बी है 0.032 ये देखो यही सेम ही एक्सप्रेशन है ना क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही है जो अभी क्वेश्चन कराए थे रिएक्शन सेम है तो एक्सप्रेशन भी सेम आएगा बस वैल्यू पुट कर दोगे ठीक है तो कर लेना जो क्वेश्चन नहीं किया फिर से एक बार लिख के करना एक्सप्रेशन डिराइव करके उससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बुकलेट से क्वेश्चंस देख लेना ठीक है हेलो यस सर ठीक है चलो फिर एंड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे चलो